यूनिटी एड्स एक ऐसा है नेटवर्क जो कि पर्सनली मेरा तो फेवरेट है ही, लेकिन अगर आप उसको सही से यूज करोगे तो आपका भी फेवरेट हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ आपको यहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू देखने को मिलेगा बल्कि बहुत सारे पावरफुल टूल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने एप्लीकेशन का पोटेंशियल जान पाओगे कि कितना ग्रो कर सकते हो और कितना आप एक हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ना सिर्फ रेवेन्यू, आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। जब भी बात आता है यूनिटी एड्स का, बहुत सारे लोग को लगता है चलो मोनिटाइज तो कर सकते हैं, मतलब अर्निंग तो कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है सिर्फ गेम एप्लीकेशन ही कर सकते हैं। नहीं, आपका कोई भी एप्लीकेशन हो गया, चाहे वो न्यूज एप्लीकेशन हो गया, टास्क ऐप हो गया, सारी एप्लीकेशन हो गया, या फिर जैसा भी वेब व्यूअर एप्लीकेशन भी अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी आप यूनिटी एड्स को यूज कर सकते हो। यूनिटी एड्स एक लीडिंग एड नेटवर्क है, लीडिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म सिंपली, और यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के एड्स तो आते ही है, फ्लेक्सिबल एड फॉर्मेट है यानी कि इसमें बैनर एड्स, इंटरस्टीशियल एड्स, रिवार्डेड एड्स और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप टारगेट कर सकते हो यूजर को जिनको आपको ऐड दिखाना है। तो ये मतलब समझ रहे हो कितना एंगेजमेंट इससे बढ़ेगा और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो आपका अर्निंग भी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे इजी इंटीग्रेशन फॉर डेवलपर, मैंने बहुत सारा एड नेटवर्क में देखा है कि उसका जो इंटीग्रेशन है सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन इंटीग्रेशन का अगर बात आ जाता है तो काफी उसका मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट बेसिकली एड कैसे लगेगा एप्लीकेशन में, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। एसडीके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट किट, या फिर बहुत लोग उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोनेटाइजेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो हाई क्वालिटी के एड्स तो आते ही हैं, हाई क्वालिटी के एड्स, और ये बहुत अपीलिंग है और इंगेजिंग है यूजर्स के लिए, मतलब इंगेज मतलब यूजर्स को बना के रखते हैं, और इसी से आपका अर्निंग भी बन जाता है अच्छा खासा। रिवार्डेड वीडियो एड्स यहाँ पे चलते हैं, इंटरस्टीशियल एड्स चलते हैं और बैनर एड्स। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से एड फॉर्मेट के लिए सबसे ज्यादा आपको ईसीपीएम देखने को मिलेगा। ईसीपीएम यानी कि इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1,000 एड्स जो आपने देखा या फिर 1,000 इंस्टॉल जो हुआ उसमें आपको कितना रेवेन्यू बनेगा, यानी कि अगर आपका ईसीपीएम $3 का है तो 1,000 अगर एड्स देखा गया है तो आपको $3 का रेवेन्यू होगा, सिंपल सा बात है। तो इसी में अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा एड फॉर्मेट में मेरे को ज्यादा मिल रहा है तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना, सिंपल सा बात है। तो फ्लेक्सिबल एड फॉर्मेट, फ्लेक्सिबल एड फॉर्मेट का मतलब आप इजीली स्विच कर सकते हो, अगर आपको रिवार्डेड पसंद नहीं आया तो आप इंटरस्टीशियल, नहीं तो फिर बैनर। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है क्योंकि रिवार्डेड एड्स यहाँ सबसे पॉपुलर है, इसी में आपको सबसे ज्यादा ईसीपीएम देखने को मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए, ईसीपीएम अगर आपको हाई चाहिए तो रिवार्डेड एड्स जरूर लगाना है आपको अपने एप्लीकेशन में। उसके बाद इंटरस्टीशियल भी अच्छा है, और ये मतलब होता है क्या कि कंटेंट आपका कुछ भी चल रहा है, चाहे गेम हो रहा है, तो बीच बीच में ये एड्स आएगा, और रिवार्डेड एड्स होता है कि एक टाइम पे आता है, 30 सेकंड का एड होता है, तो ये मतलब कुछ रिवार्ड देने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, उसके बाद बैनर एड्स जो हो गए वो स्मॉलर एड्स हो गए, जो आपको नीचे या फिर अपसाइड देखने को मिलेगा, टॉप या फिर बॉटम पे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे या तो एकदम टॉप पे देखने को मिलेगा या फिर बॉटम में, आपको कभी भी बीच में या फिर इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और रिवार्डेड एड्स कैसे आपको एक हाई इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवार्डेड वीडियो एड्स इंक्रीज इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। अगर इंगेजमेंट और रिटेंशन चाहिए तो रिवार्डेड एड्स यूज करो। इंटरस्टीशियल एड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपको हाई इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि बिना डिस्टर्ब किए बेसिकली आपको यूजर का जो एक्सपीरियंस है खराब भी नहीं होगा और आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। उसी तरह अगर बैनर एड्स का बात किया जाए तो ये तो भले छोटे एड्स है लेकिन ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है और आपको एक रेवेन्यू में मदद करता है। ठीक है, तो बैनर एड्स भी लगाओ क्योंकि ये एकदम टाइमली अपडेट होते रहता है, तो आपका जो इम्प्रेशन है बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। उसके बाद टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप अपने अनुसार टारगेट कर सकते हो कि आपको किन यूजर को एड दिखाना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एनालाइज करने का आपको बहुत अच्छा देता है। एनालाइज क्या करना है, तो बिहेवियर देखना है किन का, एप्लीकेशन के यूजर का, मतलब जो एड्स देख रहे हैं उनका। उसके बाद इससे क्या पता चलेगा, रिलेटिव टू इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने उनका बिहेवियर जान लिया तो क्या आपको मदद नहीं करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। हायर इंगेजमेंट एंड इंक्रीज रेवेन्यू, अगर आपको किसी का पता चल गया कि इसको इस बंदे को ये पसंद है तो आप उसको वही चीज दोगे, सिंपल सा बात है। तो अगर वही चीज दोगे तो इंगेजमेंट आपका बढ़ेगा कि घटेगा, सिंपल। डेमोग्राफिक टारगेटिंग देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग और बिहेवियरल टारगेटिंग। इसका मैं मतलब बता देता हूँ, डेमोग्राफिक मतलब क्या हो गया, एज, जेंडर, लोकेशन, और उसी तरह आप देख सकते हो कि किस हिसाब से आपको टारगेट करना है। कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग में क्या होगा, सिंपली मतलब बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ ऐप, मतलब ऐप का जो कंटेंट है उसी हिसाब से यूजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। बिहेवियरल टारगेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर का क्या पास्ट बिहेवियर है, क्या पास्ट एक्शन है, ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसा है और ऐप यूसेज कैसा है, मतलब एप्लीकेशन को वो कैसे यूज कर रहे हैं। इससे आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन डेटा पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है और आपको यूजर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे इजी इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन में ऐड लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सीखना है और आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे इजी इंटीग्रेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बस आपका ऐड चल गया, अच्छा तरह से ऑप्टिमाइज करके चलना चाहिए। ठीक है, देखो एप्लीकेशन में आप ऐड तब लगा पाओगे जब आपके पास यूनिटी का अकाउंट होगा। तो यूनिटी का अकाउंट सबसे पहले आपको बना लेना होगा, वेबसाइट में जाना है यूनिटी के और आपको अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन या फिर जो भी आपका गेम है उसको डाल दो वहां पे। डालने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, मतलब अपने डैशबोर्ड में अपना डाल दिया। उसके बाद आपको ऐड फॉर्मेट चुनना है कि आपको कौन कौन सा ऐड फॉर्मेट चाहिए, उसी अनुसार अपने कस्टमाइज कर लो और यहाँ से SDK लो और जस्ट वहां पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत आसान है। और अगर आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो बिल्कुल आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। यूनिटी का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं भूलिएगा अगर आप लोग खुद ऐड लगा रहे हो, क्योंकि बहुत सारा आपको अगर दिक्कत होगा तो डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसा चीज है जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको एप्लीकेशन लेना है वही बिल्कुल चीप प्राइस में हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट करवाना है, SEO करवाना है या फिर ऐड चलवाना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। धन्यवाद।